आज हम 10th स्टैंडर्ड टेंसर वाले इंग्लिश में डिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 से लेंगे हम, ओके, अ लेटर टू गॉड, उन्होंने ये लिखा था, ओके, तो जरा देख लेते, जस्ट अ सेकंड, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, ओके। हम आज पढ़ने जा रहे, आज हम ये चैप्टर वन ले रहे वाले हैं, प्रोज का पोर्शन है ये, ओके। प्रोज का रिवीजन स्टार्ट किया है हमने, लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को खत लिखा गया है, खत में उनका नाम लिखा गया है। तो ये मेक्सिको शहर है, आपने सुना होगा मेक्सिको, मेक्सिको के बारे में, अमेरिका का सदर पार्ट होता है, साउथ का हिस्सा है मेक्सिको, ओके। वहां पे एक बंदा था, उसी ने ये लेटर लिखा है, उसका नाम है लेंचो, उसे भगवान में बहुत विश्वास था, इसमें विश्वास था भगवान में, ओके। तो मैं ओवरऑल स्टोरी पहले बता देता हूँ क्या होता है। लेंचो के, लेंचो का खुद का मकई का कॉर्न का, मकई होता है कॉर्न, उसका खुद का खेत होता है, ओके, और सब कुछ होता है उसके खेत में, अच्छे स्प्रिंकल्स होते हैं, एटमोसफियर अच्छा होता है, बस बारिश नहीं हो रही होती, ओके। तो उसे बस यही होता है कि बस एक बार बारिश हो, ओके, बारिश ना हो, बारिश होने की वजह वहां पे स्टॉर्म आ गया, ओके, हेल स्टॉर्म, बर्फ गिरने लगा उस जगह, ओके, सफेद सफेद सफेद, तो वो सफेद होने से, सफेद इतना सारा हेल स्टॉर्म वहां पे गिरा, ओके, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में आते हैं, जिससे पूरा कॉर्न, पूरा खेत भर गया सफेद, ओके, और उसे काफी नुकसान हुआ। अब उसे सब कुछ नए दिन से करना पड़ेगा, फ्रॉम द बिगनिंग, सोइंग भी नहीं से करना होगा, सीड लाना पड़ेगा, फर्टिलाइजर लाना पड़ेगा, फिर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग कभी हुई भी नहीं थी, लेकिन सोइंग करना होगा फ्रॉम द बिगिनिंग। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा कि भगवान इस बार बहुत प्रॉब्लम हो गई है, आप मुझे हेल्प करो, पैसे दो मुझे। तो उसने 100 पेसोस मांगे, ये समथिंग 150 रुपए हुए अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक 1 पेसोस 100 रुपीज होते हैं, ऐसा कुछ है, मुझे पता नहीं, आप देख लीजिएगा, उतना पॉइंट रखता भी नहीं। 100 पेसोस उसने मांगे, एग्जाम्पल 100 पेसोस उसने नहीं मांगे ताकि वो फैमिली का पेट भर सके, ओके। उसके बाद क्या होता है वो हम स्टोरी में पढ़ते, ओके, बस ये उसने लेटर लिखा नहीं लिखा क्या होता है वो हम उसमें स्टोरी में पढ़ते। तो चलो, द हाउस ऑन द ओनली ऑन द एंटायर वैली सेट इन द बेस्ट, द ओनली थिंग द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोड्यूस द गुड हार्वेस्ट, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, ओके। थ्रूआउट द मॉर्निंग रेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ओके, मींस पहाड़ी इलाके में उसका घर था, वो भी यहाँ बना देता हूँ मैं, पहाड़ी इलाके में उसका घर हुआ करता था, ओके, उसका खेत पूरा ग्रीनरी कौन से भरा हुआ, येलो ग्रीन सब फ्लावर जैसा लग रहा था, ओके, लेकिन उसके फार्म बहुत परफेक्ट थे, सही जा रहा था, तो उसको क्या चाहिए था, बारिश चाहिए था या शावरिंग चाहिए, क्या चाहिए था, बारिश चाहिए, ओके। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वुमन, ओके, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिक्वायर्ड यस वुड बी द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, वुमन कॉल देम और कम फॉर हेल्प और ड्यूरिंग द डे, ओके। दोपहर का टाइम था, जो इनकी वाइफ थी, लेंचो की वाइफ, और जो कुछ बच्चे थे उनके, दो तीन बच्चे जो बाहर खेल रहे थे, उनको बुलाया और कहा कि चलो दोपहर का हो गया है टाइम, ओके, उन्होंने आई थिंक डिनर के लिए बुलाया, नहीं, हाँ, कम फॉर डिनर के लिए उन्होंने इसे सबसे बच्चों को बुलाया,
क्योंकि ये रात का टाइम है और लेंचो महाराज जो है बाहर खड़े थे बारिश का वेट करने के लिए, तभी उनकी वाइफ आई, उन्होंने कहा तो चलो डिनर रेडी हो गया है, खाने का टाइम हो गया है, चलो ओके। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट ओके। उन्हें थोड़ा सा भविष्यवाणी सा लगा, उन्होंने सब प्रेडिक्ट किया था वो कि बारिश पड़ सकती है, बारिश चालू हो सकती है, हो गई ओके। कुछ बादल जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे थे उसके बारे में उन्होंने बताया, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव अ प्लेजर फॉर फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड इवन इफ दैट दे एक्सेप्ट दैट देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू पॉइंट्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंटीमीटर्स एंड द लिटिल वंस आर 5 ओके। बाहर बारिश जैसा उन्होंने भविष्यवाणी की वैसा ही वहां आगे हुआ, बारिश पड़ने लगी ओके। वो एक्सप्रेशन क्या है, उस एक्सप्रेस के हिसाब से वो बाहर गए ओके। और बाहर जाने के बाद उन्हें बारिश फील करने लगे वो, और उन्होंने बोला कि ये बारिश नहीं है, ये 10 के सिक्के हैं और 5 के सिक्के हैं, बड़े जो बूंदे हैं वो 10 के सिक्के हैं और छोटे बूंदे हैं वो 5 के सिक्के हैं ओके। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, बारिश स्टार्ट होने के बाद ही ओके उन्हें ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि ये तो बारिश पड़ रही है, लेकिन जब ध्यान से देखा बाहर हवा चलने लगी बहुत देर, तो पता चला कि हेलस्टोन्स है, एक टाइप से तूफान टाइप का है, स्टॉर्म टाइप का है, इससे फायदा कुछ नहीं है, इससे सिर्फ नुकसान ही होने वाला ओके। इससे फायदा कुछ नहीं, इससे सिर्फ नुकसान ही होने वाला। This jewelry did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the train ran out to collect the pearls. Okay, अब बाहर गए वापस, तब जो छोटे बच्चे थे उन्होंने बोला, बट पापा ने क्या बोला, लेंचो ने क्या बोला कि ये 5 के सिक्के हैं, 10 के सिक्के हैं। तो जब हेलस्टोन गिरने लगा, हेलस्टोन गिरने लगे तो छोटे छोटे पत्थर कणाने वो गिरने लगे, तो छोटे बच्चा बोलने लगा सिल्वर कॉइन आ गई, चलो ढूंढे चलते हैं, चलो लेने चलते हैं ओके। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ ओके, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली ओके। ये काफी डेंजरस और गलत होने लगा है, बहुत बुरा होने लगा है ओके। ये आई होप, मैं चाहता हूँ कि फटाफट हो जाए, ये जल्दी बरस जाए फटाफट, ताकि हमारा बहुत नुकसान ना हो जाए ओके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये एक घंटे तक ये चल रहा है, ये एक घंटे तक चला। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वेल, पूरी जो खाड़ी थी वहां पे सब का सत्यानाश ये कर दिया है इसका ओके। जो ये छोटे छोटे कण थे बर्फ के, स्नोफॉल से ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसमें पत्थर टाइप के बर्फ के कण गिरते हैं ऊपर से ओके, इससे ऐसा हो गया। द फील्ड वाज वाइट एज कवर्ड विद स्नो, ये ऐसा विजुअल होने लगा, ऐसा दिखने लगा कि पूरा जो बर्फ था, सॉरी पूरा जो सफेद था, सॉरी जो ग्रीन 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 था, येलो येलो ग्रीन ग्रीन फील्ड था, वो पूरा सफेद हो गया, पूरा ग्रीन पूरा सफेद हो गया हेलस्टोन के कारण से, और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया ओके। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेर गॉन व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड सेलिसन अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड लेफ्ट मोर देन बट दिस ओके। मतलब पूरा खराब हो गया, तो ये जो लेंचो महाराज थे वो गए वहां पे बीच में फार्मिंग के सेंटर में, वहां जाके उन्होंने बोला बच्चों से कि भाई बेटा अगर कोई कीड़े मकोड़े भी आते हैं ना, कीड़े आते हैं लोकट्स, लोकट्स आपको पता होगा कीड़ा एक टाइप का होता है, वो आता ना तो कुछ कौन कुछ मकई ठीक रहते, पर ये जो हुआ ना इसी वजह से सारा खराब हो गया ओके। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज सिंगल होप फॉर ओके। अब इतना सारा नुकसान हो गया, उसमें एक ही प्रॉफिट था, एक ही प्रॉफिट था, एक ही उम्मीद था,
रोहन, इसका ओपी था रोहन। ओके, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। सब ने ऐसा बोला उसके रिलेटिव्स, उसके वाइफ ने भी, कि इतना अपसेट मत होइए। ओके, कोई मरने वाला नहीं है भूख से, कभी कोई मरता नहीं है भूख से। ओके, ये सिर्फ लॉस हुआ है, उस टाइम पर हम इसको रिकवर जरूर कर लेंगे। ओके, ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप टू हेल्प द गॉड। ओके, अब उसे सिर्फ एक ही उम्मीद थी भगवान से। ओके, लेंचो वाज एन ऑक्स, वो ऑक्स तो था, उसने बहुत हाई लेवल की मजदूरी की थी जमीन पे, लेकिन उसे पेपर, उसे लिखना भी आता था। ओके, उसे लिखना भी आता था। और the following Sunday and he knew he was about to write, the following Sunday at a day break he began to write a letter which he himself would carry. उसने डिसाइड किया अब मैं भगवान को लेटर लिखूं, भगवान को हम खत लिखें। ओके, एड्रेस कहां पे डालोगे उसी को बता। उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को तो संडे को उसने एक लेटर लिखने, दोपहर डे ब्रेक का टाइम था, तब उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। ओके, ही रोट टू गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ओके, अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरी पूरी फैमिली भूखे रह जाएंगे ये साल। ओके, आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो वन फील्ड, मुझे अपना खेत जो नुकसान हुआ है वापस से सोविंग करना है, सीड डालना है और उसको उगाना है, तो वापस सोइंग करने के लिए मुझे 100 पेसोस चाहिए। ओके, 100 पेसोस चाहिए, क्योंकि जो ये हेलस्टॉर्म आया, जो तूफान आया, उससे हमारा काफी नुकसान हो गया है। ही रोट टू गॉड ऑन द टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर और पोस्ट ऑफिस पे जाकर उसको दे दी। ओके, ये अब उसको एक्सपेक्टेशन थी कि वो भगवान मेरी बात सुनेगा, पता नहीं भगवान सुनता है कि ओके, मैंने मेरे को कभी सुनी नहीं। चलिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प इन द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सोल्ड हिम टू लेटर टू गॉड। उन्होंने जो लेटर ये लेटर पोस्ट किया, मैं इंपॉर्टेंट बात आपको दो मिनट के बाद बताऊंगी, इस पे हंसे क्यों बोलो। तो जो पोस्ट ऑफिस में ही लेटर गया, तो जो पोस्टमैन, जो रेड कलर का बॉक्स होता है जहाँ पे सब लेटर वहां रखते हैं, तो वहां से उसने कलेक्ट किया कि ये सब जगह देना है, तो एड्रेस पे उतर रहा था, इसी बीच में उसने देखा कि एक लेटर पे लिखा है एड्रेस टू गॉड, भगवान, लेकिन कहां जाना है वह नहीं पता। इसलिए ये बात सुन के उसे हंसी आ गई और उसने डिसाइड किया कि जाके बॉस को दिखा। उसने बॉस को दिखाया और बॉस भी इसको देख के हंसने लगे, दोनों वो लाफिंग सिचुएशन बन गया होगा। और बाद में वो थोड़े सीरियस हो, लेकिन बाद में थोड़े से, क्योंकि जो पोस्टमास्टर थे वो थोड़े प्रेजेंट, थोड़े से फ्रेंडली नहीं चलते, कैसे थे, थोड़े फ्रेंडली नहीं चलते, तो वो थोड़े से पहले हंसे थे, लेकिन बाद में वो सीरियस हो गए। सीरियस होने के बाद वो और ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही बिकम सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। ओके, तो उन्हें बाद में ये थोड़ा लगा सीरियस पॉइंट, वो थोड़े सीरियस हो गए और सीरियस होने के बाद उन्हें लगा कि अब क्या करना है। ओके, तो व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ इन द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग विद अ करेस्पोंडेंस विद गॉड। ओके, यहाँ पे मतलब क्या मतलब उसने बोला कि कितना विश्वास है उसे उस भगवान में, कितना विश्वास है उसे उस भगवान में, काश मुझे भी वो विश्वास होते उस भगवान में। ओके, तो उसने ऐसा ये लाइन इसलिए बोला उसने कि अगर उस इंसान को उस भगवान में विश्वास है तो वो विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए, वो विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। ओके, तो जो ये विश्वास था उसका, जो ये विश्वास था उसका पोस्टमास्टर राइटर का, लेंचो महाराज का, ओके, वो उसने डिसाइड किया कि हम वो नहीं तोड़ने देंगे। ओके, ये टूटना नहीं चाहिए। तो पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसे एक आइडिया, आंसर द लेटर
but when he opened it, it was an evident that to answer it, he needed something more than wood, ink and paper. उसे आंसर तो चाहिए था, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए था, वो था पैसे. वो पैसे चाहिए थे उसे. ओके, गुड विल. He needed something more than wood with ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. उसने अपने employees से पैसे मांगे. उसने अपने employees से पैसे मांगे. He himself gave a part of his salary. उसने कहा सारे employees को donate करो. ओके, donate करो और मैं भी अपना salary का एक पूरा part इसमें दे देता हूँ. ओके, और बाद में उसके सारे दोस्तों ने help किया और charity करके उस ही envelope में पैसे डाल दिए. ओके, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, मतलब आधे से थोड़ा सा. तो ऐसा नहीं हुआ सबने पैसे दिए, लेकिन 100 pesos नहीं हो पाए, 70 pesos हो गए. कितने हो गए थे क्लास? 70 pesos हो गया. ओके, 70 pesos हो जाने के बाद उन्हें काफी लगा कि हाँ अब हम इसको दे सकते हैं. ओके, पोस्टमास्टर को लगा कि हम इसे दे सकते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलिए ये जो उसका विश्वास है उसे बरकरार रखा जाए, जो विश्वास है उसका बरकरार रखा जाए. ओके, बाद में उसने एक वो पैसे 70 pesos दे दिए. अंदर 70 pesos के बाद उसने गवर्नमेंट करके सिग्नेचर कर दिया. ओके, गवर्नमेंट करके सिग्नेचर कर दिया ताकि उस फार्मर को लगे कि ये जो लेंचो को लेके भगवान ने ही भेजा है. ओके, भगवान ने ही इसे भेजा है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल. ओके, वो आते संडे आया, फिर थोड़ा जल्दी आया है क्योंकि लेटर का जवाब भी तो चाहिए था. तो आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. वो संडे को थोड़ा जल्दी आया पूछने के लिए कि क्या लेटर आप क्या मेरे लिए वो लेटर आया है कि नहीं. तो लेटर आया हो तो मुझे. इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस्ड द कंप्लीट कंटेंटमेंट ऑफ द ह्यूमन मैन. ओके, तो ये जो पोस्टमास्टर था उसने खुद ने उसे लेटर हाथ में दिया कि मैं लीजिए आपका लेटर. जो पोस्टमैन था पोस्टमास्टर था उसने खुद ने लेटर दिया और पोस्टमास्टर अपने खिड़की से उसे देख रहा था. पोस्टमास्टर अपने खिड़की से उसे देख रहा था, वो वेट कर रहा था कि उसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया. किसने? पोस्टमास्टर. ओके, सरप्राइज लेकिन डब आया क्या होता क्या है. ओके, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज. ओके, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. लेंचो महाराज का कॉन्फिडेंस आप देखो कि उसको 70 pesos देके जरा से भी सरप्राइजनेस नहीं है, जरा से भी सरप्राइज नहीं हुआ हो. उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पर था. किस बात का कॉन्फिडेंस था? उसको फेथ था. क्या था उसको? फेथ. उसे विश्वास था भगवान. ओके, किस बात का विश्वास था? कि पूरे पैसे देके 100 बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब उसने पैसे काउंट किए तो उसे पैसे कम लगे. उसे ये कॉन्फिडेंस था कि पैसे में पूरे आएंगे, लेकिन पैसे कम मिले उसे. 70 pesos ही उसे मिला. ओके, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड. लेंचो को लगा भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, मैथ्स में गलती तो उसे ना हो, कोई संजोग. और दूसरा, वो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया वो भी उसे मना नहीं करेगा. तो इसमें पैसे कम है कैसे? ओके, पैसे कैसे कम. ओके, सो आफ्टर इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. ओके, पर फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पे हाँ फिर क्या हुआ? लेंचो महाराज का दिमाग खराब. अब लेंचो महाराज गए वापस पोस्ट ऑफिस में. उन्होंने काउंटर के पास से एक लेटर लिया ताकि उसे लेटर लिखना है, पोस्ट कार्ड लिया, उसे इंक पेन और पेपर लिया ताकि उसे लिखना है वो. ओके, एक पेपर. और बाद में उसने क्या लिखा?
ओके वो देखिए बाय द एफर्ट ओके ऑन द पब्लिक राइटिंग ही स्टार्टेड टू राइट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लीक्ड एंड देन अफिश्ड द एनवेलप विद द ब्लू ऑफ हिज फिश मतलब एनवेलप लिया उसने कुछ लिखा उसको बंद किया स्टैम्प लगाया ओके से उसे प्रेस कर दिया दैट्स इट ओके अब The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open. Okay? और letter उस box में mail box में रख दिया गया। तब postmaster ने end में जब ये रख दिया तो postmaster दौड़ते वहाँ तक गया। Okay? और बाद में उसने उससे letter ले लिया और उस letter को उसने खोल के check किया इसमें लिखा क्या है? Okay? तो उसमें क्या लिखा गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे भगवान सिर्फ 70 पैसे है ओके रीच इसी 70 पैसे ही उत्तर पहुंचे सेंड मी द रेस्ट मुझे बाकी के पैसे भी चाहिए सिंस आई नीड इट वेरी मच मुझे ये बहुत ज्यादा जरूरत है बट आई डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स ओके मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि ये मेरे पर मत भेजना मुझे डायरेक्टली मेरे घर पे ही आना क्योंकि आप मेल के द्वारा भेजते हो तो ये जो पोस्ट ऑफिस है सब साले चोर है वो मेरे पैसे नहीं लेते हैं ओके तो पोस्ट मास्टर को देख के झटका लगा उसने कहा कैसी दुनिया है ये कैसा विश्वास है इसका कि उसको विश्वास जिस पे था हमने तो कुछ भी नहीं कहा उसको सो ये बहुत अच्छी सी सिंपल सी स्टोरी थी इस तरह की स्टोरी कि एक लेंचो जो जिसको लिखना आता है और समझ तो रहे और एक पोस्टमास्टर जिसने इतना अच्छा काम किया फिर भी उसे गाली पड़ी और जो भगवान जो दोनों को ध्यान से देख रहे हैं जिन्होंने पूरा काम खराब कर दिया था ओके आई होप ये आपको चैप्टर समझ आ गया होगा अगर लेक्चर का टाइम बचता है तो मैं इसके आर्टवर्क्स और आपको दिखा देता हूँ ओके साथ ही मैं और लेक्चर में अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें ओके जस्ट अ सेकंड सिनोनिम्स में आपको लिखवा रहा हूं जरा लिखिएगा रेजोल्यूशन डिटर्मिनेशन ओके डिटर्मिनेशन करना भी निर्धारित करना होता है रेजोल्यूशन मतलब करना भी निर्धारित करना ही होता है ओके मतलब नक्की करना डिटरमाइन करना मतलब नक्की करना और रेजोल्यूशन मतलब नक्की करना ही होता है प्रिडिक्टेड और फॉरवर्ड दोनों का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना 10 महीने या 10 दिन या 10 मिनट पहले का आएगा सोचना वो होता है प्रिडिक्टेड और फॉरवर्ड सॉलिटरी मतलब अलोन जो अलग और अकेले रहते ये लोग जो लेंचो थे वो पहाड़ पे अकेले ही रहा करते ओके एक सेकंड तो आप इसका स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए मैं और भी लिखा हूं
हमें ये वर्ब फ्रेंडली, ओके। ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो मैंने आपको लिखा है, ओके। एक और एक्स्ट्रा लिखा देते हैं, क्रेस्ट मतलब टॉप, ये पोर्शन क्रेस्ट होता है, ये पोर्शन रफ होता है, ये पोर्शन क्रेस्ट और ये पोर्शन रफ, ओके। समझ आ गया होगा, चलो थोड़े एंटोनिम्स देख लेते हैं। कंटेनमेंट का ऑपोजिट डिससैटिस्फैक्शन होता है, मतलब सैटिस्फैक्शन का ऑपोजिट डिससैटिस्फैक्शन होता है, ओके। फिर जैसा कि मैंने क्रैश लिखा था, क्रैश उसका ऑपोजिट बेस भी होगा और ट्रफ भी होगा, ओके। उसका ऑपोजिट बेस भी होगा और ट्रफ भी होगा, ओके। रिसेंबल का ऑपोजिट डिफर, मतलब सिमिलर, रिसेंबल का सिंपल मतलब सिमिलर होगा, सिमिलर का ऑपोजिट डिफर, ओके। क्लास रिवीजन में आज चैप्टर 1 हमने यहां पे पूरा किया, ओके। सो आज का लेक्चर हमारा यहां पूरा होता है, एक बार रीड कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर सिंपल देख लीजिए। थैंक यू।